आज मैं कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत राष्ट्रीय काव्य धारा तथा छाया योद्धोत्तर युग लेकर के आया हूँ। राष्ट्रीय काव्य धारा हिंदी साहित्य का एक प्रमुख धारा है, एक अंग है। देखिए, द्विवेदी युग के बाद हमारी हिंदी की धाराएं कई भागों में बटी थी। एक तरफ जहां छायावादी काव्य धारा, दूसरी तरफ राष्ट्रीय काव्य धारा, तीसरी तरफ कुछ प्रणय मूलक और मस्ती की कविताएं जिसमें रामधारी सिंह दिनकर और हरवंश राय बच्चन हैं। तो हम राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि देखते हैं। इस धारा के कवियों ने में प्रमुख रूप से माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट योगदान रहा है। इनकी प्रमुख रूप से दो रचनाएं हैं, हिमकिरीटनी, हिमतरंगणी। हिमकिरीटनी से ही पुष्प की अभिलाषा लिया गया है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। और इसी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये भी है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले हिंदी साहित्य के ये पहले कवि हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी दो पत्रिकाएं हैं, प्रभा तथा कर्मवीर। इसके बाद हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रमुख कवियत्री के रूप में आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की प्रमुख कवियत्री थी। ये राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रमुख कवियत्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएँ झांसी की रानी, त्रिधार तथा मुकुल है। रामधारी सिंह दिनकर अगले कवि आते हैं। दिनकर जी को कुरुक्षेत्र की रचना के कारण राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। कुरुक्षेत्र की रचना के कारण दिनकर जी को राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई है। उर्वशी महाकाव्य की रचना के कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी एक महाकाव्य है जिसकी रचना के कारण इन्हें राष्ट्र ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था तथा संस्कृत के 4 अध्याय की रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं शामधेनी, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। छायादोत्तर युग इसके बाद आता है। छायादोत्तर युग को सुविधा के आधार पर समालोचकों ने 3 भागों में बांटा है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। प्रगतिवाद कवियों में धूमिल, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आते हैं। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती आते हैं। अन्य कविता में नामवर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी आते हैं। सबसे पहले आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर ने लखनऊ में किया, जिसके पहले अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र बनाए गए तथा तभी से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है, जिसका समय 1936 से 1943 तक माना जाता है। इन कवियों में प्रमुख रूप से धूमिल, जिन्हें सुदामा पांडे कहा जाता है, नागार्जुन, बैद्यनाथ मिश्र जिसे कहा जाता है, और केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन ये प्रमुख कवि। सबसे पहले धूमिल। धूमिल को सुदामा पांडे के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि इनकी रचनाएं हैं। कल सुनना मुझे की रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें सुदामा पांडे के नाम से जाना जाता है, ये बताया मैं आपको। नागार्जुन अगले कवि आते हैं। नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम था बैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम था बैद्यनाथ मिश्र। इनकी रचनाएं सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, बंगाल का अकाल, तुमने कहा था तथा युगधारा आदि इनकी रचनाएं थी। अब हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है अपूर्वा, युग की गंगा, नीर के बादल। ये प्रगतिवाद। अब आता है प्रयोगवाद। देखिए, प्रयोगवाद किस प्रकार से प्रारंभ हुआ उसको बताने चल रहे हैं हम आपको। 1943 में अज्ञे जी ने तारसप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया।
जिसके प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक का मतलब सात कवियों का एक बंधन है, एक जोड़ है, एक क्रम है, जिसे तार सप्तक कहा जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। प्रयोगवाद कवियों में प्रमुख रूप से अज्ञेय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती आदि माने जाते हैं। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनकी रचना है बावरा अहेरी, इत्तिलम, पूर्वा, शेखर एक जीवनी, कितनी नाओं में कितनी बार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। मुक्तिबोध ये दूसरे कवि हैं, इनकी रचना है अधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती। धर्मवीर भारती हैं अगले कवि, इनकी रचना है अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता आदि इनकी रचनाएं हैं। नई कविता का प्रकाशन 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया। इस युग के प्रमुख कवि नामवर सिंह तथा गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं। और देखिए जो आपका प्रयोगवाद है उसमें जो तार सप्तक है, तार सप्तक की संख्या कुल चार है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में तथा चौथा 1979 में हुआ। चारों तार सप्तक के प्रकाशक जो माने जाते हैं वे अज्ञेय जी माने जाते हैं। इस प्रकार से आज हिंदी साहित्य के इतिहास का यह चैप्टर पूरा हुआ। कल हम कुछ प्रश्न देंगे, फिर गद्य साहित्य का इतिहास आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।